इंजीनियर्स कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी साउथर्न रेलवे चेन्नई मंडल की तरफ से डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहां पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। आपकी डायरेक्ट भर्ती रहेगी, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ना तो यहाँ पर कोई आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका साउथ रेलवे चेन्नई मंडल की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर डिप्लोमा और बीबीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे। लगभग सभी ब्रांचों को यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। पोस्टें यहाँ पर आपकी सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए रहेंगी, और ये वैकेंसी यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन्स के लिए निकाली गई हैं। आगे आपको बताया है, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की बहाली के लिए 27/3/2023 को 64 वर्ष और 6 महीने से कम रेलवे कर्मचारियों से निम्नलिखित कार्यस्थलों के लिए दोबारा काम में शामिल होने के लिए आवेदनों का स्वागत है। पहली वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स के लिए। यहां पर डिप्लोमा और बीबीटेक सिविल इंजीनियर से एलिजिबल रहेंगे। टोटल 5 पोस्टों पर वैकेंसी है। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है सीनियर सेक्शन इंजीनियर डीएनडी के लिए। यहाँ पर 1 पोस्ट पर वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पर 1 पोस्ट पर वैकेंसी है। और लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएनटी के लिए। यहाँ पर 2 पोस्ट पर वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी 9 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। बात करें आपके अप्लाई प्रोसेस के बारे में, तो अप्लाई प्रोसेस के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला है आप यहाँ पर बाय पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आपको अपना अपडेटेड सीवी लेना है, उसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको लेना है, एक सिंगल पीडीएफ तैयार करनी है और आपको भेज देना है इनकी ऑफिशियल मेल पर। ये काम आपको कर लेना है 10 अप्रैल या फिर उससे पहले। जो लोग इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।